Hey guys, welcome back to my new YouTube video. तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मिली बग्स के बारे में। हाँ जी, ये मिली बग्स ही है जिन्होंने बहुत सारे गार्डनर्स को परेशान करके रखा है, क्योंकि ये एक बार गार्डन में आ गए, आपके प्लांट्स के ऊपर आ गए तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इनके ऊपर कितना भी स्प्रे करो, कितना भी कुछ करो, पर ये आपके गार्डन से नहीं जाते। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे मिली बग्स के बारे में, जिसमें बताया होगा कि ये स्प्रे करो, वो स्प्रे करो, ये अप्लाई करो, वो अप्लाई करो, पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। मिली बग्स आपके गार्डन में रहते ही है, तो इसी के लिए हमने आज ये वीडियो लाया है। बग्स का लाइफ साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको डायरेक्ट रेमेडी देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे रेमेडीज बताया है मैंने, वो आप देख सकते हो। पर अगर आपको इंटरेस्टिंग नॉलेज चाहिए तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मिली बग्स कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम नहीं ज्यादा जानेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है व्हाइट कलर के फ्लफी कॉटन जैसे दिखने वाले जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो मिली बग रहते हैं। आपको लगता होगा किसी ने तो कॉटन रख दिया है, नहीं तो कुछ तो फंगस वगैरह है, पर ये व्हाइट कलर का फ्लफी मिली बग रहते हैं। तो बाकी इंसेक्ट की तरह भी मिली बग्स में मेल मिली बग्स रहते हैं और फीमेल मिली बग्स रहते हैं। तो जो मेल मिली बग्स रहते हैं वो बहुत ही रेयर रहते हैं और वो प्लांट्स को डैमेज नहीं करते, बल्कि जो फीमेल मिली बग्स रहते हैं वो पूरे लाइफ साइकिल में प्लांट्स को डैमेज करते हैं। और डैमेज क्या करते हैं वो आप सभी को पता है कि प्लांट सेल में से पूरा प्लांट फूड सक कर लेते हैं, और जिसी के कारण आपका प्लांट येलो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो फीमेल मिलीबग्स है वो उनके लाइफ साइकिल में 400 एग्स ले कर सकते हैं। और ये एग्स कहाँ पे ले करते हैं कि प्लांट लीव्स के नीचे जो आपको कॉटन ही ग्रोथ दिखता है, नहीं तो कॉटन ही जो सब्सटेंस दिखता है उसके अंदर मिलीबग्स के एग्स रहते हैं। और ये एग लेइंग डिपेंड रहता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर हाई है तो एग लेइंग कम रहता है, और एग्स ले करने के बाद फीमेल 5 से 10 दिन में मर जाती है। तो अगर आपने ये मिली बग्स के एग्स को ही, मतलब जो कॉटनी ग्रोथ दिखता है उसको ही प्लांट से निकाल दिया तो नए मिली बग्स नहीं आ सकते। जो फीमेल मिली बग्स रहते हैं वो एग्स के बाहर निकलने के बाद पूरे प्लांट में क्रॉल कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर जा सकते हैं, पर इनका मूवमेंट इतना स्लो रहता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो प्लांट पे मूवमेंट कर रहे हैं। तो इन इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर भी व्हाइट कलर का कोटिंग रहता है, जिसके वजह से आप कौन सा भी स्प्रे करो तो वो ज्यादा असरदार नहीं होता। और इसी के अलावा ये इंसेक्ट अपने बॉडी से हनीड्यू, मतलब कुछ शक्कर जैसा पदार्थ बाहर निकालते हैं, जिसके वजह से फंगस भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर मिली बग्स आपके प्लांट में है तो प्लांट के पत्ते भी काले होना स्टार्ट हो जाता है, और हनीड्यू के वजह से इसके ऊपर काले कलर की चिटिया, मतलब एंट्स आना भी चालू हो जाता है। तो आपको पूरा लाइफ साइकिल तो पता चला है कि मिलीबग्स कैसे आते हैं और कैसे वो जिंदा रहते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि उनको प्लांट से निकालने के लिए, अपने गार्डन से दूर करने के लिए क्या करना है। तो आपको पूरा लाइफ साइकिल तो पता चला है कि मिलीबग्स कैसे आते हैं और कैसे वो जिंदा रहते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि उनको प्लांट से निकालने के लिए, अपने गार्डन से दूर करने के लिए क्या करना है। तो कौन सा भी स्प्रे करने से पहले, कौन सा भी केमिकल डालने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप करना है, वो है प्लांट प्रूनिंग। मतलब जिस प्लांट पे मिली बग्स है, जिस पार्ट पे बहुत ज्यादा है, वो पार्ट आपको पहले कट करना है। तो बहुत से लोग ये स्टेप स्किप कर लेते हैं और जस्ट जो स्प्रे बताया गया है वो स्प्रे करते हैं, पर इससे क्या होता है, जो मेजॉरिटी, जहां पे मेजॉरिटी इन्फेक्शन है वहां पे स्प्रे अच्छे से नहीं हुआ तो ये मिली बग्स फिर से आ जाते हैं। बहुत से मिली बग प्लांट के टॉप पोर्शन में रहते हैं, जहां पे फ्लावरिंग बड है, नहीं तो जहां पे न्यू ग्रोथ है वहां पे ज्यादा मिली बग्स रहते हैं। तो आपको यही करना है कि वहां से आपको प्लांट का कटिंग करना है, जिस वजह से वो मिली बग्स चले जाएंगे, और जो कटिंग किया हुआ पोर्शन है वो आपको बाहर फेंक देना है आपके गार्डन के, अगर आप वो कंपोस्ट में यूज करोगे, नहीं तो गार्डन में ही किसी पॉट में रख दोगे तो वहां से वो मिली बग वो प्लांट को इन्फेक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लांट कटिंग ये इम्पोर्टेंट स्टेप आपको ध्यान में रखना है और वो पहले करना है। सेकेंड स्टेप आता है सोप स्प्रे से वॉशिंग। मैंने स्प्रे नहीं बोला है, मैंने बोला है वॉशिंग। इसका मतलब है कि आपको डिटर्जेंट, नहीं तो कौन सा भी लिक्विड सोप का सोल्यूशन बनाना है और पूरे कट किए हुए प्लांट पे आपको इसका वॉश करना है, मतलब पूरे प्लांट को आपको स्नान डालना है।
इसके वजह से क्या होगा कि जो भी शुगरी सब्सटेंस ये मिली बग सिक्रेट करते हैं वो आपके प्लांट्स पे नहीं तो स्टेम पे रहते हैं और इसके वजह से वो फिर से आ सकते हैं। तो ये सोप स्प्रे से वॉश करने से ये सब जो रेसिड्यूज रहते हैं नहीं तो कुछ एग्स वगैरह रहते हैं वो पूरे क्लीन हो जाएंगे आपके प्लांट से। तो ये सोप स्प्रे का वॉशिंग करने के बाद आपका प्लांट पूरा अच्छे से क्लीन हुआ होगा। तो इसके बाद कुछ ना कुछ तो फिर भी एग्स नहीं तो वो सिक्रीशन बचा होगा प्लांट पे। तो इसी के लिए अभी आपको करना है स्प्रेइंग। तो तीसरा चीज आपको करना है स्प्रेइंग। तो इनमें कौन से स्प्रे यूज कर सकते हैं? स्प्रेइंग में आपको ध्यान रखना है कि स्प्रे बोला है मतलब प्यार से स्प्रे नहीं करना है। तो कौन सा भी केमिकल स्प्रे लो नहीं तो ऑर्गेनिक स्प्रे लो तो आपको वो स्प्रे जेट स्प्रे से करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिली बग्स रहते हैं वो स्टिकी रहते हैं। अगर वॉशिंग करने के बाद कटिंग करने के बाद भी कुछ मिली बग्स आपके प्लांट के स्टेम पे है नहीं तो लीव्स पे है तो ये जेट स्प्रे से निकल जाएंगे। तो मार्केट में ऐसे जेट स्प्रे जिनका पानी का नोजल जेट जैसा जाता है इससे जो स्टिकी मिली बग्स रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। और स्प्रेइंग करते समय ध्यान रखना है आपको स्प्रे प्लांट के लीव्स के ऊपर भी करना है और लीव्स के नीचे भी करना है क्योंकि प्लांट लीव्स के नीचे ही ये इंसेक्ट छुपते हैं और वहां पे एग्स ले करते हैं। तो आपको प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है और लीव्स के नीचे भी स्प्रे करना है और जेट स्प्रे से करना है जिस वजह से ये जो स्टिकी इंसेक्ट है वो प्लांट से निकल जाए। तो आप कौन से भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हो और इन्फेक्शन भी ज्यादा है तब आप सोचोगे कि मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का इंसेक्टिसाइड बनाता हूँ तो ये इंसेक्ट्स भाग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का इंसेक्टिसाइड यूज करोगे तो वो आपके प्लांट हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। इसी के लिए जो रिकमेंडेड डोज रहते हैं बॉटल के ऊपर उसी कॉन्सेंट्रेशन में आप इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए। पर अगर आपको वो पता नहीं रहेगा तो सिंपल ध्यान रखो कि कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड रहेगा तो आपको 2.5 ml मैक्स टू मैक्स 2.5 ml ही आपको 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आप कौन सा भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 5 ml 1 लीटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और फोर्थ और लास्ट चीज जो आती है मिली बग्स के बारे में वो है सॉइल ट्रीटमेंट। तो हम प्लांट के लीव्स को वॉश करते हैं, स्टेम को वॉश करते हैं, प्लांट के लीव्स के नीचे का भाग भी साफ कर लेते हैं पर सॉइल साफ करना भूल जाते हैं क्योंकि जब हम ये कटिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं तब कुछ एग्स नहीं तो कुछ मिली बग्स सॉइल में भी जाते हैं। तो ये सॉइल का ट्रीटमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है ये सब प्रोसेस होने के बाद कि सॉइल के ऊपर भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, सॉइल को भी थोड़ा सा लूज करके लेना है और सॉइल में आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मतलब नीम पाउडर भी डाल सकते हो नहीं तो आपके पास टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर है वो आपको स्प्रिंकल करना है प्लांट पॉट के अराउंड नहीं तो प्लांट सॉइल में। अगर आपने प्लांट लीव्स पे भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी हो सकती है कि मिलीबग्स ना आ पाए। उफ, बहुत ही ज्यादा प्रोसेस था मिलीबग्स हटाने के लिए पर क्या करें ये मिलीबग्स होते ही ऐसे है कि इनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। पर और एक चीज ध्यान रखो जाते जाते कि ये सब प्रोसेस करने के बाद इधर उधर से कहीं तो हवा से ये मिलीबग्स फिर से आ सकते हैं। तो प्रिकॉशन के लिए आप कौन सा तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे एक तो केमिकल नहीं तो ऑर्गेनिक स्प्रे आप वीकली रिपीट कर सकते हो मतलब आपने आज संडे को स्प्रे किया है तो नेक्स्ट संडे भी स्प्रे कीजिए ऐसा 1 महीने के लिए कंटिन्यू करते रहिए तो आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। दैट्स इट। तो इतना ही था मिलीबग के बारे में। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और आप इसको अप्लाई भी करेंगे और इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। अगर कुछ स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बता पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे ऐसे बहुत सारे अनोखे गार्डनिंग के टिप्स और हैक्स जो आप गार्डन में यूज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।